नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजीव दद्रवाल है और इस समय मैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी में हूँ और मैंने यहाँ पर रहने का फैसला किया है कुछ महीनों तक और अच्छा लगा तो शायद उसके बाद भी रहूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये घर किराए पर लिया है गाँव का। बेसिकली ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं घर, ये घर यहाँ पर गाँव वाले बस कुछ ही महीने रहते हैं, बाकी ये नीचे जो मेन गांव है वहाँ पर रहते हैं। तो आजकल एक खाली है तो उन्होंने मुझे किराए पे दे दिया है। आइए मैं आपको सैर कराता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अभी ये घास उगी हुई है जो मुझे बाद में साफ़ करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप एक नीचे ये कमरा दिख रहा है तो यहाँ पर ये लोग अपने पशु पालतू पशु बांधते हैं और ऊपर रहते हैं। ऐसा पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में शायद यही कल्चर था पहले। तो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है तो काफ़ी उजाड़ टाइप है। चलिए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ अंदर से। ये आप कमरा दोस्तों, अंदर काफ़ी अंधेरा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब उनका पुराना सामान पड़ा है जो कि अभी मुझे ये साफ़ करना है। काफ़ी अभी अंदर गंद पड़ा हुआ है। ये चूल्हा इनका, कभी ये खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये संदूक हैं इनकी रखी हुई हैं और एक वो बड़ी संदूक रखी है, वो तो नहीं, बाकी ये छोटे वाली मैं निकाल के साथ वाले रूम में डाल दूँगा। और अब मैं जैसे आपको ऊपर दिखाऊं तो इसमें कड़ियां हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से व्यू, वो सामने एक घर है, ये नियरेस्ट हाउस यहाँ से वो है सामने। आसपास कोई घर नहीं है, कोई नहीं रहता, मतलब है तो ये जैसे घर है ये भी खाली पड़ा है, वो आगे खाली पड़ा है। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है, ये इन्होंने खाद बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। वो सामने दोस्तों अखरोट का पेड़ है, उस पर अखरोट भी लगे हुए हैं, मैं आपको नज़दीक से बाद में दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो है मेरे पीछे आप देख रहे हो ना घास, ये सब खरपतवार उग गई है ना इसकी देख रेख करते हुए। तो जो मेरा प्लान है बेसिकली कि सबको मैं काट के यहाँ पर सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ मैं उगाने वाला हूँ और काफ़ी मात्रा में यहाँ भांग भी लगी हुई है। अगर आपको पता है तो ये भांग का पेड़ है इधर, वैसे तो काफ़ी बड़ी जगह है। जो ओनर है उन्होंने मुझे ये पूरी जगह यूज़ करने की परमिशन दी है कि मैं इसको काट के यहाँ पर सब्जियाँ उगा सकता हूँ। वो नीचे वाला खेत अगर आप देख सकते हैं उधर, बाद में आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। तो इन सबको मैं साफ़ करने वाला हूँ, काफ़ी लंबा काम होने वाला है ये मेरे लिए अकेले के लिए। जब ये साफ़ कर दूँगा तो यहाँ पर फिर सब्जियाँ बोऊँगा। अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि जुलाई का मिड है ये, आज 15 जुलाई हो गई, तो अगर अभी बोऊँगा तो शायद सब्जियां लग जाएं और होपफुली 2-3 महीने में मैं उन पे फल आएगा और वो हम यूज़ कर सकेंगे, नहीं तो फिर हमें अगली फरवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देता रहूँगा मैं आपको अपडेट। मेरा सर छत में लग रहा है और अभी अभी मैं इस पर टकराया अच्छे से।
अभी लाइट नहीं है, शायद बल्ब वगैरह खराब है। तो ओनर को मैंने बोला है, वो बोल रहा है वो नई वायर और बल्ब होल्डर लेके आएगा। अभी ये सब सफाई के बाद दोस्तों ये पानी डायरेक्ट झरने से कनेक्टेड है और कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जंगल से पानी आ रहा है ये। इससे बढ़िया पानी हो नहीं सकता कोई। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो ये पानी पीने से वो कमी दूर होनी स्टार्ट हो जाती है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। पिछले 20 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ जलाने की, फाइनली मुझे लग रहा है स्टार्ट हो गई है। वैसे बड़ी वाली में लग जाएगी तो फिर आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये आग लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये मकान बंद पड़ा था काफ़ी टाइम से और आज ही खोला है, तो जो धुआं होता है उससे क्या होगा कि जो भी कीट मकोड़े अंदर हैं अभी घर के, वो सब धुएं के कारण बाहर भाग जाएंगे। और खाना तो मेरे पास है फ़िलहाल के लिए, स्टोव है, लेकिन मैं कुछ ही दिन में गैस का इंतज़ाम कर लूँगा।